भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान को अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, यह नहीं सोचना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि कर्म का फल हर इंसान को मिलता है। जो लोग कर्म नहीं करते और पहले से ही परिणाम के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता सार का यह उपदेश बड़ी सीख देने वाला है। गीता सार में मनुष्य को देखने के नजरिए पर भी संदेश दिया गया है। इसमें लिखा गया है, जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, उसी का नजरिया सही है, और जो अज्ञानी पुरुष होता है, उसे ज्ञान नहीं होने के वजह से वह हर किसी चीज को गलत नजरिए से देखता है। गीता सार में उन लोगों के लिए संदेश दिया गया है, जो लोग अपने मन को काबू में नहीं रखते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का मन इधर उधर भटकता रहता है और उनके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जब व्यक्ति का मन सही होता है तो उनका मस्तिष्क भी सही तरीके से काम करता है। गीता सार में यह भी उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को पहले खुद का आकलन करना चाहिए और खुद की क्षमता को जानना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को अपने आत्मज्ञान की तलवार से काट कर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर देना चाहिए। जब तक मनुष्य खुद के बारे में नहीं जानेगा, तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि हर मनुष्य को खुद पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं, वह निश्चय ही सफलता हासिल करते हैं। वही इंसान जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। अगर कामयाब होना है तो बुराई रास्ते को छोड़ और सच्चाई रास्ते पर चलना सीखो, क्योंकि सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले को भगवान भी साथ देता है, लेकिन भगवान से ज्यादा खुद पर भरोसा रखो।